मानी जाएगी जब उसमें गति हो, गति के लिए एक अधीरता हो, गति के लिए एक सामूहिक प्रयास हो। आज 21वीं सदी का भारत सरकारी व्यवस्थाओं की उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। फॉर प्रोग्रेस, वर्क फॉर प्रोग्रेस, वेल्थ फॉर प्रोग्रेस, प्लान फॉर प्रोग्रेस, प्रेफरेंस फॉर प्रोग्रेस। हमने न सिर्फ परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का वर्क कल्चर विकसित किया, बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्ट पूरे करने का प्रयास हो रहा है। अगर आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वही आज का भारत हर वो कदम भी उठा रहा है जिससे प्रोजेक्ट्स में देरी ना हो, रुकावटें ना आए, कम समय पर पूरा हो। साथियों, देश का सामान्य मानवी एक छोटा सा भी घर बनाता है तो उसके लिए बाकायदा प्लानिंग करता है। कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनती है, कोई कॉलेज बनाता है, तो भी पूरी प्लानिंग के साथ बनाया जाता है। समय समय पर उसके विस्तार की गुंजाइश को भी पहले से ही सोच लिया जाता है। और ये इसमें हर किसी का अनुभव है, हर एक का ये अनुभव से आप गुजरे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स में कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग से जुड़ी अनेक कमियां रोजमर्रा अनुभव करते हैं। थोड़ा बहुत जहां हुआ भी है तो हमने देखा है कि रेलवे अपनी प्लानिंग कर रही है, रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपनी प्लानिंग कर रहा है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट की अपनी प्लानिंग होती है, गैस नेटवर्क का काम अलग प्लानिंग से हो रहा है। ऐसे ही तमाम डिपार्टमेंट अलग अलग प्लान करते हैं। हम सभी ने यह भी देखा है कि पहले कहीं सड़क बनती है, सड़क बिल्कुल तैयार हो जाती है, और फिर कोई पानी वाला डिपार्टमेंट आएगा, वो पानी की पाइप के लिए उसकी खुदाई कर देता है, फिर पानी वाले पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार काम होता रहता है। ये भी होता है कि रोड बनाने वाले डिवाइडर बना देते हैं और फिर ट्रैफिक पुलिस कहती है कि इससे तो जाम लगा रहेगा, डिवाइडर हटाओ। कहीं चौराहे पर सर्किल बना दिया जाता है तो ट्रैफिक सुचारू रूप से चलने में बजाय वहां अव्यवस्था होने लगती है। और हमने देश भर में ऐसा होते हुए देखा है। इन परिस्थितियों के बीच जब सारे प्रोजेक्ट्स को सिंक्रोनाइज करने की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करना पड़ता है, बिगड़ी हुई बात को ठीक करने में बहुत मेहनत लगती है। साथियों, ये जितनी भी दिक्कतें हैं उसका मूल कारण यह है कि मैक्रो प्लानिंग और माइक्रो इम्प्लीमेंटेशन, जमीन आसमान का अंतर होता है। अलग अलग विभागों को पता ही नहीं होता कि कौन सा विभाग कौन सा प्रोजेक्ट कहां शुरू करने की तैयारी कर रहा है। राज्यों के पास भी इस तरह की जानकारी एडवांस में नहीं होती। इस तरह के साइलोस के कारण निर्णय प्रक्रिया भी प्रभावित होती है और बजट की भी बर्बादी होती है। सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि शक्ति जुड़ने के बजाय, शक्ति मल्टीप्लाई होने के बजाय
शक्ति विभाजित हो जाती है। जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन्हें भी ये ठीक ठीक पता नहीं होता कि भविष्य में यहां से सड़क गुजरने वाली है या यहां से कैनाल बनने वाली है या यहां कोई पावर स्टेशन लगने वाला है। इस वजह से वो भी किसी क्षेत्र को लेकर किसी सेक्टर को लेकर बेहतर प्लान नहीं कर पाते हैं। इन सारी दिक्कतों का हल पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान इससे ही निकलेगा। जब हम मास्टर प्लान को आधार बनाकर चलेंगे तो हमारे रिसोर्सेज का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। साथियों, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय ज्यादातर राजनीतिक दलों की प्राथमिकता से दूर रहा है। यह उनके घोषणा पत्र में भी नजर नहीं आता है। अब तो ये स्थिति आ गई है कि कुछ राजनीतिक दल देश के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर आलोचना करने में गर्व करते हैं, जबकि दुनिया में ये स्वीकृत बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एक ऐसा रास्ता है जो अनेक आर्थिक गतिविधियों को जन्म देता है, बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्माण करता है। जैसे स्किल मैन पावर के बिना हम किसी क्षेत्र में आवश्यक परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते, वैसे ही बेहतर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना हम चौतरफा विकास नहीं कर सकते। साथियों, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के साथ ही देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया सरकारी विभागों के बीच आपसी तालमेल की कमी ने, आपसी खींचतान ने। राज्यों में भी हमने राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के बीच इस विषय पर तनाव होते देखा है। इस वजह से जो प्रोजेक्ट देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में मददगार होने चाहिए थे, वही प्रोजेक्ट देश के विकास के सामने एक दीवार बन जाते हैं। समय के साथ बरसों से लटके हुए प्रोजेक्ट अपनी प्रासंगिकता, अपनी जरूरत भी खो देते हैं। मैं जब 2014 में यहां दिल्ली एक नई जिम्मेवारी के साथ आया तो भी ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट थे जो दशकों से लटके हुए थे। लाखों करोड़ रुपए के ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट की मैंने खुद समीक्षा की। सरकार के सारे विभागों, सारे मंत्रालयों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया, सारी रुकावटों को दूर करने का प्रयास किया। मुझे संतोष है कि अब सबका ध्यान इस ओर गया है कि आपसी तालमेल की कमी की वजह से परियोजनाओं में देरी ना हो। अब होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ सरकार की सामूहिक शक्ति योजनाओं को पूरा करने में लग रही है। इसी वजह से अब दशकों से अधूरी बहुत सारी परियोजनाएं पूरी हो रही हैं। साथियों, पीएम गति शक्ति अब यह सुनिश्चित करेगी कि 21वीं सदी का भारत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेशन में कमी की वजह से ना पैसे का नुकसान उठाए और ना ही समय गंवाए। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत रोड से लेकर रेलवे तक, एविएशन से लेकर के एग्रीकल्चर तक विभिन्न मंत्रालयों को, विभागों को इससे जोड़ा जा रहा है। हर बड़े प्रोजेक्ट को, हर डिपार्टमेंट को सही जानकारी,
सटीक जानकारी समय पर मिले, इसके लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है। आज यहां कई राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यों के अन्य प्रतिनिधि भी जुड़े हैं। मेरा सभी से आग्रह है कि जल्द से जल्द आपके राज्य भी पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान से जुड़कर अपने राज्य की योजनाओं को गति दें। इससे राज्य के लोगों का भी बहुत लाभ होगा। साथियों, पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान सरकारी प्रोसेस और उससे जुड़े अलग अलग स्टेक होल्डर्स को तो एक साथ लाता ही है। ये ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग बोर्ड्स को आपस में जोड़ने में भी मदद करता है। ये होलिस्टिक गवर्नेंस का विस्तार है। अब जैसे गरीबों के घर से जुड़ी योजना में सिर्फ चार दीवारी नहीं बनाई जाती, बल्कि उसमें टॉयलेट, बिजली, पानी, गैस कनेक्शन भी साथ ही आता है। ठीक वैसा ही विजन इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी है। अतीत में हमने देखा है कि उद्योगों के लिए स्पेशल जोन का ऐलान तो किया जाता था, लेकिन वहां तक कनेक्टिविटी या फिर बिजली, पानी, टेलीकॉम पहुंचाने में गंभीरता नहीं दिखाई जाती थी। साथियों, ये भी बहुत सामान्य बात थी कि जहां सबसे ज्यादा माइनिंग का काम होता है वहां रेल कनेक्टिविटी नहीं होती थी। हम सभी ने यह भी देखा है कि कहीं पोर्ट होते थे तो पोर्ट को शहर से कनेक्ट करने के लिए रेल या रोड की सुविधाओं का अभाव होता था। ऐसी ही वजहों से भारत में प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती रही है, हमारे एक्सपोर्ट की कॉस्ट बढ़ती रही है, हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा रहा है। निश्चित तौर पर ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत बड़ी रुकावट है। एक स्टडी है कि भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट जीडीपी का करीब करीब 13% है, 13% है। दुनिया के बड़े देशों में ऐसी स्थिति नहीं है। ज्यादा लॉजिस्टिक कॉस्ट की वजह से भारत के एक्सपोर्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस बहुत कम हो जाती है। जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहां से पोर्ट तक पहुंचाने का जो खर्च है उस पर ही भारत के एक्सपोर्टर्स को लाखों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस वजह से उनके प्रोडक्ट की कीमत भी बेतहाशा बढ़ जाती है। उनका प्रोडक्ट दूसरे देशों के मुकाबले बहुत महंगा हो जाता है। तो देश के प्रधानमंत्री गति शक्ति के बारे में बताते हुए और ये बता रहे हैं कि 16 अलग अलग मंत्रालय मिलकर अब देश की प्रगति की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो इंटरेस्टिंग बात देश के प्रधानमंत्री बता रहे हैं वो ये है कि समय सीमा के साथ सारे प्रोजेक्ट्स को बांधा जाएगा। एक इंफ्रा बेसिक सब्जेक्ट रहेगा और उसके साथ से जुड़े हुए जो अलग अलग मंत्रालय होंगे अपने अपने हिसाब से उसको भी गति देंगे। तो गतिशील इस सभा के अंदर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं और प्रधानमंत्री ने उनसे आग्रह भी किया है कि आप भी जल्दी से जल्दी इस गतिशक्ति जो योजना भारत सरकार लॉन्च कर रही है इसके साथ जुड़े और देश के साथ आगे बढ़े। हमारे पास जो जानकारी उसमें सड़क है, उसमें एविएशन है, उसमें पोर्ट है, उसमें गैस पाइपलाइंस हैं, उसमें रेलवे का कार्गो है। ये करीब 5-6 बड़े विभाग हैं जिस पे ज़्यादा काम होगा और ज़्यादा फंड्स एलोकेशन भी किए जाएंगे। खैर, देश के प्रधानमंत्री इस बारे में रखते हुए बात, हम लौटते वापस से